हॅलो एव्हरीवन, सर्वांना माझा नमस्कार. कसे आहात तुम्ही सर्व? आशा करतो की तुम्ही सर्व बरे असाल. मैं अमित, एरॉन्स के यूट्यूब चॅनल मे आपका स्वागत करता हूँ. आज हम आपको एरॉन्स के इंस्टॉल सीरीज के बारे में बताने वाले हैं और उसे यूज़ कैसे करना है ये भी बताने वाले हैं. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो के बीच में हम प्रोडक्ट के फंक्शंस भी बताने वाले हैं और डेमो भी देने वाले हैं. तो हम नहीं चाहते कि आप कुछ मिस करें. और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. एरॉन्स के इंस्टॉल सीरीज में इंस्टॉल 400 मार्क टू और इंस्टॉल 300 मार्क टू ये दो मॉडल्स आते हैं. ये दोनों भी पावर्ड स्पीकर है. ये स्पीकर आप पर्सनल मॉनिटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंडोर सिस्टम में जैसे कि जिम, डांसिंग क्लब या बैंक्वेट हॉल में भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस जैसे भी इवेंट कर सकते हैं. तो आइए हम जानते हैं कि इंस्टॉल 400 मार्क टू और इंस्टॉल 300 मार्क टू इनके साथ क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं. आइए हम जानते हैं कि इंस्टॉल सीरीज को यूज़ कैसे करना है. यहाँ पे हमने पावर कॉर्ड को प्लग इन कर दिया. यह ऑन ऑफ स्विच है. यह प्रेस करने के बाद यहाँ पे ग्रीन लाइट ग्लो हो रही है, मतलब आपका सिस्टम जो है वो ऑन हो चुका है. सबसे पहले आपको इनपुट में कॉम्बी जैक इनपुट मिल रहा है, जिसमें आप P38 जैक इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं और XLR इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं. यह है P38 जैक, या आप इसमें ऐसे इनपुट कर सकते हैं या फिर XLR जो है आप यूज़ कर सकते हैं. XLR इनपुट कुछ इस तरह से. अभी हम यहाँ पे फिलहाल XLR इनपुट यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग माइक इनपुट दे रहे हैं, तो जब भी आप माइक इनपुट देंगे तभी यहाँ पे जो ये लाइन एंड माइक सिलेक्शन स्विच है ये यूज़ करना है कंपलसरी. जब आप माइक यूज़ करेंगे तो इस स्विच को एक बार दबाना है, तो ये जो बटन है वहाँ पे अंदर प्रेस करके रहेगा. यहाँ पे दिखाया गया है कुछ सिंबल तरीके से, आप देख सकते हैं. अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपका पता चल जाएगा. ये माइक यूज़ करेंगे हम. यहाँ पे हमने माइक इनपुट दे दिया है, ये वायर्ड माइक हम लोग यूज़ कर रहे हैं. मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ. इस सेक्शन के लिए यहाँ पे आपको दो EQ दिए गए हैं, ट्रबल और बेस, और ये जो है वॉल्यूम नॉब है. अब आपके हिसाब से सेट करेंगे. मैं आपको माइक चेक करके दिखाता हूँ. हेलो चेक 1 2, हेलो चेक चेक 1. जब भी आप इस इनपुट में, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे माइक यूज़ किया है, इस इनपुट में अगर आप कोई भी मिक्सर से इनपुट देते हैं तो आपको ये जो सिलेक्शन स्विच जो है वो आपको प्रेस करना है, तो वो जो बटन है वो बाहर की तरफ आ जाएगा और फिर आपको यहाँ पे मिक्सर से जो इनपुट देना है कंपलसरी. मैं आपको रिपीट एक बार बता रहा हूँ कि जब भी आप माइक यूज़ करेंगे तो आपको माइक मोड यूज़ करना है, और मिक्सर से इनपुट देंगे तो लाइन मोड यूज़ करना है. उसके लिए ये दो EQs रहेंगे और ये वॉल्यूम नॉब रहेगा. उसके नीचे ही रहेगा जो मिक्स आउट है. इस मिक्स आउट से आप कोई भी दूसरे पावर सिस्टम को लूप कर सकते हैं. ये माइक एंड गिटार इनपुट है. यहाँ पे XLR इनपुट यूज़ होगा. कुछ इस तरह से हम आपको करके दिखा दें. ये XLR इनपुट है, हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं. इस इनपुट के लिए आपको 3 EQs दिए गए हैं, ट्रेबल, मिड और बेस. अब आपके हिसाब से सेट करेंगे. और इनका जो है वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे रहेगा, ये इनका वॉल्यूम नॉब है. मैं आपको माइक चेक करके दिखाता हूँ. हेलो चेक 1 2, हेलो हे चेक हेलो.
कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे जो माइक एंड गिटार इनपुट है वो यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे मैं वापस एक बार रिपीट बता रहा हूँ कि एक्सएलआर इनपुट ही यूज़ होगा। सबसे ऊपर में जो है मल्टीमीडिया सेक्शन, ये है मल्टीमीडिया सेक्शन। इस मल्टीमीडिया सेक्शन में आपको अलग से पावर ऑन ऑफ स्विच दिया गया है, क्योंकि जब आप यूज़ करना चाहे इस सेक्शन को तभी आप ऑन करें। ये यह मैं यहाँ पर पावर ऑन कर देता हूँ। पावर ऑन करने के बाद यहाँ पे जो ऑन लिखा हुआ है वहाँ पे ग्रीन लाइट ग्लो होगा, मतलब कि आपका मल्टीमीडिया सेक्शन जो है वो ऑन हो चुका है। मल्टीमीडिया सेक्शन में आपको सबसे पहले यूएसबी पोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे हम यूएसबी इंसर्ट कर रहे हैं कुछ इस तरह से। यूएसबी इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो है यूएसबी लिखा हुआ है वहाँ पे जो ग्रीन लाइट ग्लो होगी, मतलब कि आपका यूएसबी मोड ऑन हो चुका है और जो भी आपकी ऑडियो फाइल या ऑडियो ट्रैक है वो प्ले हो चुकी है। इसका आउटपुट आने के लिए आपको यहाँ पे जो ये वॉल्यूम नॉब है ये ओपन करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी इस पेनड्राइव में बहुत सारे ट्रैक है, मुझे इससे नेक्स्ट वाला जो सॉन्ग है वो प्ले करना है। तो वो कैसा प्ले करेंगे, तो सॉन्ग चेंज करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट बटन दिया गया है। इस नेक्स्ट बटन को हम एक बार प्रेस करेंगे तो आगे वाला सॉन्ग है, मतलब कि जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो प्ले हो जाएगा, कुछ इस तरह से मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो प्ले हो गया। अभी मुझे रिटर्न जो है वो पिछले वाला सॉन्ग प्ले करना है, मतलब कि प्रीवियस जो सॉन्ग है वो प्ले करना है। तो उसके लिए यहाँ पे प्रीवियस बटन है, मैं एक बार उसे प्रेस करूँगा तो जो पहले सॉन्ग प्ले हो रहा था मतलब प्रीवियस सॉन्ग वो प्ले हो जाएगा, कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से आपका प्रीवियस बटन और नेक्स्ट बटन जो है आपके लिए यूज़ होगा। यहाँ पे प्ले और पॉज बटन है, ये बटन कैसे यूज़ होगा ये मैं आपको बताता हूँ। अभी जो सॉन्ग चालू है उसे पॉज करना चाहते हैं आप, तो इस बटन को आप एक बार प्रेस करेंगे, ये जो प्ले और पॉज बटन है इसको एक बार आप प्रेस करेंगे तो जो सॉन्ग है वो पॉज हो जाएगा, कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक बार दबा दिया तो ये सॉन्ग जो है वो पॉज हो गया। अभी मैं इस सॉन्ग को दोबारा प्ले करना चाहता हूँ तो इसी बटन को मैं रिटर्न प्रेस करूँगा तो सॉन्ग जो है वो प्ले हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको ये बटन्स यूज़ करने हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से ये जो यूएसबी पोर्ट में से पेनड्राइव जो है वो प्लग आउट कर रहा हूँ। वो प्लग आउट करने के बाद यहाँ पे मोड बटन है, इस मोड बटन पे मैं 2 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखूँगा। ये मैं प्रेस करके रखा तो यहाँ पे जो ग्रीन लाइट है वो ब्लूटूथ मोड पे चली जाएगी, मतलब कि जो अभी इसका ब्लूटूथ मोड है वो ऑन हो चुका है। तो आपको कोई भी आपका मोबाइल या फिर जो ब्लूटूथ डिवाइस रहेगा उस ऑप्शन में जाके आपको ब्लूटूथ डिवाइस सर्च करना है, कुछ इस तरह से मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। ये ब्लूटूथ डिवाइस में मैं गया ब्लूटूथ ऑप्शन में। अभी मुझे सर्च करना है कि इसका जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो मुझे सर्च करना है। मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूँगा, सर्च करने के बाद यहाँ पे पीए सिस्टम करके और साइड में हेडफोन का सिंबल है वो ब्लूटूथ डिवाइस दिखेगा, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद वो पेयर हो जाएगा। अभी पेयर होने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो बीटी लिखा हुआ है, इस बीटी पे जो ग्रीन लाइट है वो ग्लो हो रही है, मतलब कि ऑन हो चुकी है, आपका जो ब्लूटूथ मोड जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अभी मैं मोबाइल में कुछ सॉन्ग प्ले करूँगा, कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सॉन्ग प्ले कर दिया। आउटपुट आने के लिए आपको ये जो मेन वॉल्यूम नॉब है ये ओपन करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से आपको मल्टीमीडिया सेक्शन यूज़ करना है और इंस्टॉल सीरीज को यूज़ करना है। We'll be right back.
आपको हमारा ये प्रोडक्ट कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।